अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिटी हाउसिंग खाने की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अंडरपास की, उसके रिलेटेड है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम आपको उसकी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए वीडियो आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है अंडरपास की, और आगे क्या मजीद जो गुड न्यूज है जो आपको मिलने वाली है उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अंडरपास के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि अंडरपास के ऊपर जो गार्डन थे वो रख दिए थे इन्होंने। जो नेक्स्ट स्टेप था वो शटरिंग का काम था, वो शटरिंग का काम भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और कल जो सा था इन्होंने सरिया बांध के उसके अंदर कंक्रीट कर दिया, रात को कंक्रीट हो गई थी। अब जो सा है उसको दो तीन दिन जो सा इसको ये लोग पानी लगाएंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है दो तीन दिन के बाद जो शटरिंग वगैरह जो सी होगी उसको वो ओपन कर देंगे, और जो आपका अंडरपास होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इन्होंने करना है, ये दो दिन के बाद जो सी आपकी शटरिंग वगैरह जो सी है वो खुल जाएगी। उसके बाद जो है इन्होंने पेंट करना है उसके ऊपर, और जो है अपना जो ट्रैक है उसको उसके ऊपर बिछाना है। पहले टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद बकायदा तौर पे इसके ऊपर से ट्रेन जाना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आरजी तौर पे टेम्पररी तौर पे जो इन्होंने ट्रैक बनाया था उसको इन्होंने तोड़ देना है, और उस एरिया को जो सा था वो जो ऊपर पुलिस बनाई हुई थी उसको भी इन्होंने प्लेन कर देना है। पीछे मेन बुलेवार्ड भी इन्होंने खुदाई करके उसको लेवल करना स्टार्ट कर दिया अंडरपास के। तो इंशाल्लाह एक दो दिनों तक मेरा साइट का विजिट भी होगा, जैसे ही वो उसका लेंटर खुलेगा, शटरिंग ओपन होगी, तो इंशाल्लाह वहां पे हम साइट के ऊपर मौजूद होंगे, और आपको कंप्लीट मैं उसकी डिटेल भी दिखाऊंगा। मेन बुलेवार्ड रोड इन्होंने सीधा करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट फेज इनका मेन बुलेवार्ड ही टारगेट है, और उसके बाद जो है गेट का टारगेट है। मैप भी इंशाल्लाह चौथी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंशाल्लाह आपका लॉन्च हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है, और आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट है उसको अप टू डेट रखें, उसको रोकें ना, क्योंकि काम हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट को बेशक रोक दें। अगर काम हो रहा है, आप देख भी सकते हैं साइट के ऊपर काम हो रहा है वहां पे, तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो सी है उसको अप टू डेट रखें, ताकि मैप के अंदर वैलिडिटी के अंदर जो है आप उसके हिस्सा ले सके और अपनी पसंद का वहां पे नंबर लगवा सके। तो अगर आप भी हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं तो आपको 3% डिस्काउंट मिल जाएगा इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट के ऊपर, चाहे जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है। ये मैटर नहीं करता आपने फाइल किससे ली है, आप जिस मर्जी से फाइल ले आप मेरे थ्रू इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं। विद इन 10 डेज जो सा आपका लेजर अपडेट हो जाएगा, वैसे 3-4 दिनों में लेजर अपडेट होके आ जाता है, पर अपनी एहतियात के लिए हम 10 दिनों का टाइम लेते हैं, ताकि कोई भी मिस कमिटमेंट जो है वो क्लाइंट के साथ ना हो। तो आपकी किसी किस्म की क्यूरी हो, क्वेश्चन हो सिटी हाउसिंग खाना के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ आज ही रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है। आपके लिए मैं इजाजत दें, अल्लाह।